कोरोना काल में विपक्षी दल जेईई और नीट परीक्षा ना कराए जाने की मांग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर यूपी पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, जिसे लेकर सपा प्रमुख व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परीक्षा के आयोजन को लेकर सरकार पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि याद रहे पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। अखिलेश यादव ने सोमवार को शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा, कभी कभी यूं भी रखी जाती है इंसाफ की आबरू, हिफाजत में रख लिए जाए कुछ फैसलों के फैसले। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा, जिस प्रकार देश भर के परीक्षार्थियों ने अपनी नापसंदगी दर्शा कर अपना रोष दर्ज किया, उसने साफ कर दिया कि चिंतित युवा और अभिभावक भी चाहते कि सत्ताधारी अपना दंभ त्याग कर परिवार वालों की मांग सुने। याद रहे पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं, ये जनतंत्र है मनतंत्र नहीं। सपा के विरोध प्रदर्शन पर योगी सरकार द्वारा की गई लाठी चार्ज को लेकर सपा प्रमुख ने कहा कि कोरोना काल में परीक्षा कराने के विरोध में सड़कों पर उतरे सपा के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज नहीं खूनी हमला हुआ है। आज बाल बच्चों वाला हर परिवार चिंतित है। सबका साथ का दावा करने वाले अकेले लोगों की मनमानी कब तक चलेगी। इससे पहले सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि बीजेपी की तरफ से ये हास्यपद और तर्कहीन बात फैलाई जा रही है कि जब लोग दूसरे कामों के लिए घर से निकल रहे हैं तो परीक्षा क्यों नहीं दे सकते। भाजपा ही सत्ता के मद में ये भी भूल गए कि लोग मजबूरी में निकल रहे हैं और जो लोग घर पर रहकर बचाव करना भी चाहते हैं, आपकी सरकार परीक्षा के नाम पर उन्हें भी बाहर निकलने पर बाध्य कर रही है। ऐसे में अगर किसी परीक्षार्थी उसके संग आए अभिभावक या घर लौटने के बाद उनके संपर्क में आए घर के बुजुर्गों को संक्रमण हो गया तो इसकी कीमत क्या ये सरकार चुकाएगी। सपा अध्यक्ष ने लिखा कि ऐसा लगता है कि भाजपा ये समझ चुकी है कि बेरोजगारी से जूझ रहा युवा और कोरोना बाढ़ व अर्थव्यवस्था की बद इंतजामी से त्रस्त गरीब निम्न व मध्य वर्ग अब कभी उसको वोट नहीं देगा, इसलिए वो युवाओं और अभिभावकों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्यवाही कर रही है। भाजपा को सिर्फ वोट देने वालों से मतलब है, नकारात्मक व हठधर्मी बदले की राजनीति करने वाली बीजेपी व उसके सहयोगी दलों के खिलाफ देश में एक नई युवा क्रांति जन्म ले रही है। हम सब साथ हैं, आइए मिलकर कहें।